हेलो एवरी वन वेलकम टू दुमिनंट आइस अकेडमी आई एम मीना भरद्वाज एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट लेक्चर बट उससे पहले कि आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड स्टडी कर रहे होंगे साथ ही दो दिन हमारा लेक्चर uh, मैं प्रोवाइड नहीं कर पाई थी डोंट वरी ये कंटिन्यू रहेगा शायद कभी ऐसा हो कि एक दो दिन बीच में हो जाए अदरवाइज ये कॉन्टिन्यू रहेगा आपका सो डोंट वरी तो यहाँ पे हम एंग्लो मराठा स्ट्रगल वॉर के बारे में पढ़ेंगे आज इससे पहले हम बंगाल वाला पार्ट हमने कवर किया था आ, मैसूर वाला पार्ट कवर किया है और अब हम मराठा वाला पार्ट कवर करेंगे तो स्टार्टिंग कर चुके हैं तो ये हमारा एक स्टार्टिंग वाला जो है फेज चल रहा है तो अभी तक अगर कोई क्वेश्चन मेन्स के पूछे जाते तो मैं आपको यहाँ पे ज़रूर मेंशन करती एक मैं मेंशन कर चुकी हूँ ऑलरेडी आई होप कि आपने देखा होगा तो जैसे ही क्वेश्चन आएंगे अगर मीन्स के इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग तो वो हम यहाँ पर मैं आपको बता दूँगी ओके okay? कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है और आप एटलीस्ट आपको एक ओवरव्यू कि आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हैं या स्टार्टिंग भी है आपकी तो भी आपको एक आइडिया यहाँ पे मिल जाएगा एंड जल्दी हम इसके जो करंट अफेयर वाला पार्ट होगा वो कवर करेंगे जो कि थ्री मंथ वाला बे बेस्ड होगा ओके okay, उसकी जल्दी ही आपको वीडियो मिलेगी तो प्लीज़ आप ये हिस्ट्री वाला पार्ट कवर कीजिए साथ ही इतना डेप्थ में हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इसी ये हमारा इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा जो आगे का स्ट्रगल पार्ट है ओके okay, इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए और उसके बाद का जो पार्ट हम कवर करते हैं वो इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पे इनसे इतने क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं तो इसलिए भी हम इनको अगर ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ के जो सिर्फ इम्पोर्टेंट है यानी कि कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे और कुछ आपके रीजंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए एक बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम कि जितना हम इतना डिटेल में जो हम पढ़ते हैं उस पर आप इतना फोकस जो हम करते आए हैं यानी कि मिडीवल में भी तो उतना आपको यहाँ पर टाइम नहीं लगाना है तो इसलिए भी मैं थोड़ा इनको जल्दी कवर कर रही हूँ तो एंग्लो मराठा स्ट्रगल वॉर की जब हम बात करते हैं तो तीन वॉर हुए थे मैसूर फोर वॉर हुए थे यहाँ पे ये थ्री हुए थे तो फर्स्ट के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि मराठाओं के बारे में आप शिवाजी का हमने पढ़ पढ़ा था मिडिवल के एंड में कुछ टर्म्स भी हमने पढ़ी थी अष्ट प्रधान हो गई और एक दो टर्म थी जैसे वहाँ पे जो टैक्सेशन सिस्टम था प्लीज़ वो कवर कीजिए हम यहाँ पर टाइम नहीं लगाएंगे उसके ऊपर तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा बात करें तो राइज़ ऑफ मराठाओ जैसे मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है सी हमने तीन चार स्ट्रॉन्ग पावर के बारे में पढ़ा है किस तरह से यूरोपियंस की एंट्री होती है एंड वो धीरे धीरे भारत की पॉलिटिक्स का पार्ट बनते हैं एंड उसके बाद वो किस तरीके से जहाँ जहाँ स्ट्रॉन्ग पावर थी पहले बंगाल में फिर कर्नाटक यानी मैसूर में एंड उसके बाद ये महाराष्ट्र आई I मीन mean, मराठा रीजन यानी के जो बॉम्बे प्रोविंस था उसकी तरफ बढ़ते हैं तो ऑलमोस्ट जितने सुपीरियर या सुप्रीम पावर थी उनको अपने कंट्रोल में लेने की या उनकी टेरिटरी को अपने कंट्रोल में लेने की यहाँ पर कोशिश की जाती है तो मराठा राइज ऑफ मराठा होता है यहाँ पे जैसे ही मुगल डिक्ला, डिक्लाइन होते हैं तो इन्हें एक मौका मिल जाता है फिर से राइज़ होने का फिर से कॉन्केस्ट करने का जो टेरिटरीज़ थी आसपास की तो ये नॉर्थ तक बढ़ जाते हैं मराठा एंड काफ़ी आई मीन I mean, इन्होंने बहादुरी दिखाई थी उस टाइम पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर ही उभर कर आते हैं तो यहाँ से आप जितने ये वॉर हो रहे हैं एक, एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि इतना आसान नहीं था कि इतनी आसानी से जो यूरोपियंस थे वो एंट्री कर गए थे लेकिन हाँ कुछ यू नो you know, ड्रॉबैक्स थे कुछ आ, थे इश्यूज जिसकी वजह से जो यूरोपियंस थे उन्हें काफ़ी बेनिफिट हुआ और उसकी वजह से ही वो एक कॉन्केस्ट करने में उन्हें आसानी हुई क्लियर तो यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं जैसे ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अब इनके साथ एक प्रॉब्लम होती है वो होता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत सी फर्स्ट और सेकेंड हम कवर कर चुके हैं प्लीज़ आप मैंशन कीजिएगा वो कब हुआ था किसके बीच हुआ था थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है अहमद शाह अब्दाली ओके वो अटैक कर देता है एंड उसके और मराठाओं के बीच में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है जनवरी 14 सेवनटीन सिक्सटी को ये होता है अभी यहाँ पे एक तरफ मराठा थे मराठाओं में कौन कौन था विश्वास राव और सदाशिव राव और इधर अहमद शाह अब्दाली तो यहाँ पे जो है डेथ हो जाती है विश्वासराव की है, सदाशिव राव की सदाशिव राव बाहू की और उसके शौक की न्यूज़ सुन के जो पेशवा बालाजी बाजीराव थे ओके उनकी छः मंथ बाद डेथ हो जाती है और अगर हम गए कि एक शिवाजी के बाद अगर किसी ने संभाला था मराठा रीजन को या एक सुपीरियर बनाने की कोशिश की थी वो थे बालाजी बाजीराव वन ओके तो सेवनटीन ट्वेंटी में और फोर्टी के बीच का ये पार्ट था और आपका जो सेवनटीन सिक्सटी वन में हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ओके इसके बाद हम थोड़ा सा अष्ट प्रधान के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से रीज़न में जो है जो मराठा थे वो फैले हुए थे उन्होंने कॉन्केस्ट कर लिया था ओके okay, जैसे कि बड़ौदा में या प्रधान में ही हम ये चीज़ पढ़ते हैं गायकवाड़ बड़ौदा में भोसले नागपुर में होलकर इंदौर में सिंधिया ग्वालियर में पेशवा जो है पुणे में तो उसके बाद अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है जैसे ही डिफीट होता है पानीपत की वॉर के बाद जो माधवराव वन ओके okay, उनकी डेथ हो जाती है सेवनटीन में अब इसके बाद एक जो एंट्री होती है यूरोपियंस की उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं तो वहीं से एक जो है वॉर शुरू होता है तो जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो पॉलिटिक्स का पार्ट बनने की कोशिश करते हैं इंडियंस की यानी कि अब मराठा पॉलिटिक्स में वो एंट्री करते हैं एटीन सेंचुरी लास्ट क्वार्टर ऑफ एटीन सेंचुरी की ये बात है एंड फर्स्ट क्वार्टर जो है नाइनटीन सेंचुरी के स्टार्टिंग में और एटीन के एंड की ये बात है यहाँ पे तो यहाँ पे तीन बार वो कोशिश करते हैं क्लैश करने की मराठाओं के साथ उनकी पॉलिटिक्स का पार्ट बनने की और वो एक तरह से एक यू नो सक्सेस भी हो जाते हैं क्यों क्योंकि जो मराठा थे वो काफ़ी डिवाइडेड थे आपस में और वो एक दूसरे के ही अगेंस्ट एक कॉन्स्परेसी में लगे हुए थे दूसरा आप जो इंग्लिश थे उनके पास एक ये भी रीज़न था कि बंगाल में कॉन्केस्ट करने के बाद मैसूर में करने के बाद एक उनके पास भी एक यू you नो know, सुप्रीम यानी कि वो खुद को सुप्रीम मानने लगे थे और उनकी मिलिट्री पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी इधर उन्होंने मैनेजमेंट या प्लानिंग करनी शुरू कर रखी थी पहले से ही वो काफ़ी प्लानिंग के साथ ही किसी भी रीज़न की तरफ बढ़ते थे उनकी सक्सेस का ये सबसे एक मेन रीज़न था एक तो उनकी मिलिट्री और दूसरा उनकी जो प्लानिंग होती थी यानी कि पूरी अरेंजमेंट जो वो करते थे तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल बिहार उड़ीसा के बाद यहाँ पे भी एक काफ़ी अच्छे से अरेंजमेंट कर लिया था और जैसे ही तो फिर यहाँ पे जो है फर्स्ट वॉर की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होती है तो फर्स्ट वॉर की सिचुएशन क्रिएट होने से पहले यहाँ पे एक जो नाम आता है कि आखिर यहाँ की शुरुआत कैसे हुई थी तो रघुनाथ राव का एक नाम आता है मीन्स रघुनाथ राव नारायण राव के जो थे वो अंकल थे सॉरी जो माधव राव था माधव राव की डेथ के बाद ओके okay, पानीपत के बैटल में डेथ हो जाती है माधव राव की 1772 में उनका जो भाई होता है नारायण राव वो नेक्स्ट पेशवा बनता है फिफ्थ पेशवा बनता है लेकिन जो नारायण राव के अंकल थे रघुनाथ राव वो उनकी डेथ कर देते हैं और खुद खुद को पेशवा डिक्लेयर कर देते हैं अब जैसे ही वो डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्योंकि जो मराठा चीफ थे नाना फडनविस ओके नाना साहेब के नाम से जिन्हें हम जानते हैं जो कि चीफ थे ट्वेल्व मराठा चीफ उन्हें नाम से जाना जाता था यानी बारह भाई के नाम से उन्हें जाना जाता था तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो नारायण राव का एक बेटा था बहुत ही छोटा था तो पेशवा क्या करता है उस इन्फेंट यानी कि उस उसका नाम सवाई था सवाई का मतलब होता है वन क्वार्टर वन एंड क्वार्टर ओके वन एंड क्वार्टर यानी कि वन फोर जिसे बोलते हैं उसे सवाई स्वा, नाम दिया हुआ था वो बहुत ही छोटा था और उसे पेशवा डिक्लेयर कर दिया जाता है रघुनाथ राव को ये चीज़ पसंद नहीं आती है एंड वो क्या करता है जाके इंग्लिश से एक ट्रीटी कर लेता है ओके रघुनाथ राव इंग्लिश से जाके मिलता है और वहाँ पे एक ट्रीटी करता है ट्रीटी ऑफ सूरत के नाम से जिसे जाना जाता है लेकिन इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता जो कैलकता काउंसिल थी ब्रिटिश वो इसे एक्सेप्ट नहीं करती है तो बाद में एक ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है सेवनटीन में एंड uh, इसी के चलते आगे जो एक वॉर होता है अभी तक वॉर नहीं हुआ है यहाँ पे रघुनाथ राव और इंग्लिश के बीच में एक यू you नो know, डील चल रही है यहाँ पे ट्रीटीज चल रही है ताकि जो इंग्लिश है वो बचाए जब भी पेशवा या मराठा मराठा अगर रघुनाथ राव की uh, के अगेंस्ट जाने की कोशिश करेंगे तो इंग्लिश जो है वो रघुनाथ राव को सपोर्ट करेंगे और इंग्लिश यही करते थे कि जब भी उन्हें लगता था कि कोई स्ट्रोंग uh, जो रूलर uh, उन्हें दिखाई देता था तो जो उसके अगेंस्ट अपोजिशन जो होती थी वो उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर देते थे उन्हें वीक बनाने के लिए और आसपास के एरिया में भी वो पहले ही या तो कॉन्केस्ट करना शुरू कर देते थे या उन्हें अपने में मिलाना शुरू कर देते थे तो इनकी ये काफ़ी स्ट्रोंग पॉलिसी रही है तो यहाँ पे ये क्या करते हैं जो नाना फड़नवीस जब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे ट्रीटी हुई है 1776 में होती है ट्रीटी ट्रीटीओ पुरंदर तो वो वॉयलेट करने की कोशिश करते हैं कि नाना Uh, कैसे वॉयलेट करते हैं वो फ्रेंच जो कि इंग्लिश के दुश्मन थे अब रघुनाथ राव पेशवा का दुश्मन था उसे इंग्लिश सपोर्ट कर रहे थे यहाँ पे फ्रेंच को उन्होंने सपोर्ट करने की कोशिश की एक तरह से जैसे को तैसा लेकिन ये इंग्लिश को पसंद नहीं आई बात कि हमारे जो दुश्मन है फ्रेंच उन्हें वो पोर्ट यानी कि एक पोर्ट ग्रांट करने की उन्होंने कोशिश की थी किसने नाना फडनविस ने तो ये चीज़ उन्हें पसंद नहीं आती है एंड एक वॉर जैसे यहाँ पे फिर आप वॉर छिट जाता है तो जो इंग्लिश थे वो अपनी एक काफ़ी अच्छी एक फोर्स जो है भेज देते हैं मराठाओं के अगेंस्ट लड़ने के लिए अभी यहाँ पे कौन कमान संभाल रहे थे यहाँ पे मराठाओं की ओर से थे महद सिंधिया ओके जिन्हें शिंदे महद सिंधे के नाम से भी जाना जाता है आ, माना जाता है काफ़ी सुपी बहुत ही अच्छी मिलिट्री स्किल्स थी इनके पास काफ़ी हम कहें कि इन्हें बहुत बहादुरी से लड़े थे बहुत ही बहादुर थे और इतनी इन्होंने काफ़ी पॉलिसीज़ वग़ैरह यूज़ की थी काफ़ी चालाकी से जो है इंग्लिश को हरा दिया था बहुत सी यू नो एक ऐसी टेक्निक वगैरह इन्होंने यूज़ की थी जिस लाइक कि स्कोच अर्थ पॉलिसी हो गई या बर्निंग फार्मलैंड खेतों को जला के या फिर कुएँ वग़ैरह में जहर डाल के तो इन्होंने ज, आ, एक जो कोशिश होती है जितनी भी वो वॉर में ये अपनी स्किल्स जो है दिखाते थे तो एक बहुत अच्छे मिलिट्री कमांडर आप इन्हें कह सकते हैं माना गया था और इन्हीं की बुद्धिमत्ता से और स्किल्स की वजह से जो है ये जीत जाते हैं यहाँ पे और इसके चलते ही जो इंग्लिश थे उन्हें काफ़ी ह्यूमिलिएट होना पड़ता है और एक ट्रीटी फाइनली करनी पड़ती है और ये जो ट्रीटी होती है ट्रीटी ओ वदगाव जैसे ही मराठा जीत जाते हैं वो ट्रीटी करते हैं वदगाव की लेकिन इस ट्रीटी को अच्छा इस ट्रीटी के चलते क्या होता है वदगांव ट्रीटी में कि जो उनकी एक्वायर्ड सी फाइनली क्या होगा जब कोई ट्रीटी होगी सबसे मेन तो क्या होगा एक दूसरे के जो दुश्मन होंगे उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे पहली तो ये डील होती थी और दूसरा कि भाई जो टेरिटरी आपने कॉन्कर की है आप वो वापस दे देंगे और तीसरा अगर वो करेंगे सबसे मेन कि जो उनके प्रिजनर वगैरह होते हैं या वो उनके आदमियों को पकड़ लेते थे उन्हें छोड़ देते उसके अलावा वो जो एरिया के बारे में भी वहाँ पे कुछ ट्रीटीज़ होती है वो टेरिटरी का ही पार्ट आ गया तो इस तरह की ट्रीटी होती थी तो ये जो ट्रीटी थी ये किसने वॉरन हेस्टिंग ने जो है रिजेक्ट कर दी थी एंड वो उस टाइम पे कौन था वॉरन हेस्टिंग रिमेंबर कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर जनरल था वो कौन था वॉरन हैस्टिंग तो वो एक फ़ोर्स भेजता है कॉलोनल गोडर्ड गड या गोडर्ड के नाम से यहाँ पे एक फोर्स को भेजा जाता है यानी कि उसका कमांडर होता है एंड जो आसपास के एरिया होते हैं उन्हें ऑलरेडी कैप्चर कर लिया जाता है उसके बाद जैसे ही वो फोर्स भेजते हैं तो बुरी बहुत ही एक काफ़ी बड़ी फोर्स भेजी जाती है सिंधिया के अगेंस्ट मराठाओं के अगेंस्ट और यहाँ पे मराठाओं की हार हो जाती है यानी सिंधिया जो है वो हार जाता है अब यहाँ पे फिर से एक ट्रीटी होती है आ, जो सिंधिया होता है अब फकोर्स कि वो जो हार जाते हैं वो एक ट्रीटी यानी समझौता करने की कोशिश करते हैं तो सिंधिया ने एक ट्रीटी प्रपोज की थी पेशवा और इंग्लिश के बीच में जिस ट्रीटी को नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ सालबाई तो 1780 में फिर से हरा दिया जाता है किसको सिंधिया को एंड यहाँ पे जो पॉलिसी होती है 1782 में होती है और ये होती है ट्रीटी ऑफ सालबाई ट्रीटी ऑफ साल बाई सेवेंटीन में होती है तो इस ट्रीटी में दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है दो तीन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्या होता था ट्रीटी में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक दो जो जगह थी सालसेट हो गई या बसी हो गई या फिर गुजरात हो गया तो जो सॉलसेट था वो इंग्लिश के कंट्रोल में आ जाता है एंड जो बसी देखो उसी हम बॉम्बे प्रोविंस की बात कर रहे हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है तो सॉलसेट बसी जो है वहीं के उसी टेरिटरी का एक पार्ट है तो सॉल्सिट जो है किसके कंट्रोल में रहेगा वो रहेगा ब्रिटिशर्स के और बसी ये मराठाओं के उसमें कंट्रोल में एंड गुजरात में फिर से जो फतेह सिंह गायकवाड़ है यानी कि पेशवा था मराठाओं में उन्हें वहाँ का पेशवा बना दिया जाएगा एंड वही हुआ कि फ्रेंच को सपोर्ट नहीं करेंगे मराठा और इधर जो ब्रिटिश होंगे वो रघुनाथ राव को सपोर्ट नहीं करेंगे तो इस तरह की ये साल बाई जो है ट्रीटी हुई थी आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा सेकेंड अगर हम बात करें अब यहाँ के होने के बाद अब सेकेंड सिचुएशन जो आती है सेकेंड वॉर कैसे होता है अब सेकेंड वॉर की सिचुएशन यहाँ पे इसी या तो ट्रीटी को का उल्लंघन करके किया जाता था या फिर कोई वीक सिचुएशन ढूंढी जाती थी अब इंग्लिश ऐसे तो नहीं थे कि ट्रीटी करके बैठ जाएंगे और वो दखल अंदाजी नहीं करेंगे ऐसा कहीं भी नहीं हुआ ट्रीटी तो उन्होंने बहुत की थी लेकिन किसी को भी उन्होंने अच्छी तरह से फॉलो नहीं किया था ना ही माना था वो उस टाइम बस सिचुएशन डालने के लिए वो एक ट्रीटी हो जाती थी अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं था कि वो आ, उसके चलते अब वो दोबारा वॉर नहीं करेंगे या उनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी नहीं करेंगे या फिर कोई आ, और वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे ऐसा कुछ भी नहीं था तो सेकेंड जो वॉर होता है एंग्लो मराठा वॉर अब ये होता है एटीन हंड्रेड से आ, 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 फाइव के बीच में ओके okay? तीन से पाँच के अट्ठारह सौ तीन से पाँच के बीच में ये होता है फर्स्ट की अगर हमने बात की थी तो ये 75 और 82 के बीच में हुआ था 82 आपकी लास्ट साल बाई ट्रीटी अब यहाँ पे ए 1803 से 5 के बीच में ये होता है तो यहाँ पे आप जो अगर हम कहीं बैकग्राउंड क्या होता है वोर का कि सबसे पहला रीजन जो होता है कि जो नाना साहेब होते हैं उनकी डेथ हो जाती है एटीन में तो ये बहुत ही उनके पास बेहतर मौका होता है इंग्लिश के कि अब वो अटैक कर सकते हैं अब उन्हें एक वीक पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है दूसरा अगर हम कहें कि जो माधवराव नारायण यानी कि जिसे वहाँ पे पेशवा बनाया जाता था नारायण राव के पुत्र को अब उसने वो क्या कर लेता है सुसाइड कर लेता है अब जैसे ही वो सुसाइड करता है तो अब किसी को तो पेशवा बनाना ही था तो जो बाजीराव टू का बाजीराव राव टू जो यानी कि रघुनाथ राव का जो बेटा था रघुनाथ राव इसी पेशवा के अगेंस्ट था और उसके अगेंस्ट होने के बावजूद तो अब उसका बेटा था वो भी मतलब एक तरह से नालायक ही था तो बाजीराव टू मतलब लायक नहीं था कि वो सिंहासन को संभाल सके मराठाओं के रीजन को संभाल सके अब उसे पेशवा बना दिया जाता है तो अब यहाँ पे कोई भी ऐसा उत्तराधिकारी नहीं था कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था कि भाई एक ब्रिटिशर्स जो है वो डरे अटैक करने से तो यहाँ पे सेकेंड वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है अब एक और जो रीज़न आता है एटीन में क्या होता है कि जो जशवंत राव जिसे यशवंत राव के नाम से भी जाना जाता उसका भाई था विठू जी उसकी अब डेथ कर आई I मीन mean, उसको उसका मर्डर कर दिया जाता है जो पेशवा होते हैं उसको मार देते हैं क्यों क्योंकि वो उनके अगेंस्ट मराठाओं के अगेंस्ट कैंपियन काफ़ी टाइम से कर रहा था तो ये बात पेशवा को पसंद नहीं आती और उसका मर्डर कर देते हैं किसका यशवंत राव के भाई का और ये चीज़ देख के जो यशवंत राव का भाई था वो अटैक कर देता है और पेशवा और सिंधिया को बुरी तरह से हरा देता है ओके कहाँ पर हडापसर यानी यानी पूना में ही एक हडापसर आ, आ, में ये युद्ध होता है और वहां पे हरा दिया जाता है और विनायक राव को जो कि अमृत राव का बेटा था उसे पेशवा पे की सीट पे बैठा दिया जाता है यानी यशवंत राव उसे सीट पे बैठा देता है अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई मराठाओं के लिए क्योंकि जो उनका एक यू you नो know, फो यानी एनिमी था वो अब पेशवाई कर रहा था वहां पे तो यहाँ पे अब अब इसके चलते पेशवाओं को फिर से ट्रीटी करनी पड़ती है किसके साथ इंग्लिश के साथ क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो वो ट्रीटी टी ऑफ बसी करते हैं यहाँ पे एटीन हंड्रेड टू में क्लियर तो ये चीज़ आपको यहाँ पे आई होप कि क्लियर हो गई डेथ नाना साहेब बाजीराव टू एंड इंग्लिश आ, के बीच में अब बाजीराव टू ही था वहाँ का पेशवा तो उसे ट्रीटी करनी पड़ती है ट्रीटी ऑफ बसी जिसे 1802 में ये होती है आ, सी इससे आप याद रखना 1882 में सॉरी 1782 में हुई थी ट्रीटी ऑफ सालवाई और यहाँ पे जो बसी की ट्रीटी थी वो थी एटीन टू टू में होती है तो यहाँ पे जो ट्रीटी होती है इसमें ये किस किस के बीच में होती है सिंधिया भोसले और आर्थर वैलेसले उस टाइम पे इंग्लिश की ओर से कौन था आर्थर वैलेसले और इधर मराठाओं की ओर से सिंधिया भोसले तो इनके बीच में होती है अच्छा साथ ही इस ट्रीटी के चलते क्या होता है कि आ, अच्छा ये ट्रीटी तो यहाँ पे हो जाती है कि एक तरह से इंग्लिश जो है सपोर्ट करेंगे उनकी मराठाओं को जो उनके एनिमी है उनसे बचाने में लेकिन दूसरी तरफ जो बाजीराव टू था वो इंग्लिश के साथ मिल के वो क्या करता है एक सब्सिडियरी अलायंस जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी सब्सिडियरी अलायंस जो है हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा अगर मैं बताऊँ आपको तो जो मिलिट्री होती थी इंग्लिश की उन्हें अपने ही टेरिटरी में रखने के लिए परमिशन दे देना ओके okay, तो ये इसे सब्सिडियरी अलायंस कहा जाता था आगे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हम कवर करेंगे कहाँ कहाँ पे किस किस स्टेट ने जो सब्सिडियरी अलायंस था वो एक्सेप्ट कर लिया था और उससे आगे के भारत की जो सिचुएशन थी वो कैसे बदलती शुरू हो गई थी ओके okay, तो एक तरह से ये कंट्रोल करने का एक तरीका था ब्रिटिशर्स का कि किस तरीके से वो इंडियन टेरेटरी या इंडियन जो रूलर हैं उन पर नज़र रख सकते हैं उन्हीं की टेरेटरी में रह के और अपनी मिलिट्री को उनकी टेरेटरी में रख के वो कहते थे कि हम आपको दुश्मन से बचाएंगे लेकिन दूसरी तरफ वो उन्हीं के अगेंस्ट जो है अपनी पूरी मिलिट्री को तैयार कर रहे होते थे तो ये सब्सिडियरी अलायंस था बाजीराव टू ने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन जो सिंधिया और भोसले थे वो नहीं चाहते थे इस सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट करना तो इसके चलते वो बहुत कोशिश करते हैं एंड यहाँ पे अब जो सेकंड जो वॉर होता है उस सेकंड वॉर में क्या होता है कि फिर से जो मराठा होते हैं उनकी हार हो जाती है अब यहाँ पे जैसे ही उनकी हार होती है तो उन्हें ट्रीटी टी बसी करनी पड़ती है अच्छा ये ट्रीटी टी ओबसी इसके वॉर के बाद होती है क्लियर तो आप यहाँ कन्फ्यूज़ मत होना मैंने ये थोड़ा पहले बोल दिया आ, सीधा मैंने आ, जो आपको आउटपुट देने की हम पर कोशिश की थी लेकिन ये वॉर के बाद होती है एटीन में होती है जब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है जब ये सब्सिडरी अलाइंस को रोकने की कोशिश करते हैं बाजीराव और इंग्लिश के बीच में जो एक सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम पे सेकेंड वॉर होता है और इस सेकेंड वॉर के चलते ही ट्रीटी टी ओ बसी होती है और ये 1803 से 5 के बीच में सेकेंड वॉर होता है अब अब ट्री टी ओ बसी में थोड़ा सा आपको वही है कि आ, एक दो चीजें हैं है कि आप ट्वेंटी सी टी ऑफ बसी में आपका कि ट्वेंटी सिक्स लैख एनुअल इनकम वो पे करेंगे ब्रिटिशर्स को साथ ही आ, आ, उनकी जो टेरिटरी उन्होंने एक्वायर की होगी उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे बाकी जो ब्रिटिशर्स होंगे वो उन्हें सपोर्ट करेंगे ट्रुप्स वगैरह भेजेंगे अगर उन्हें कोई ज़रूरत पड़ती है साथ ही सूरत जो है वो ब्रिटिशर्स को देना पड़ेगा एंड चौथ जैसी जो सिचुएशन थी यानी कर जो एक लेते थे वो चौथ निज़ाम के अगेंस्ट यानी निज़ाम से वो लिया करते थे तो वो भी उन्हें कैंसिल करना पड़ेगा ओके तो ये दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है एक तो सूरत को सरेंडर एक छब्बीस लाख उन्हें देना पड़ेगा एनवली बाकी ब्रिटिशर जो है वो ट्रुप छह हजार ट्रुप जो है उसकी हेल्प करेंगे इस ट्रीटी के चलते ये हुआ था तो अब इसी के चलते जो बाकी रीजंस में जो मराठा थे उनको भी धीरे धीरे हरा दिया जाता है चाहे वो आ, हम बात करें कि भोसले हो गए उनके साथ भी ट्रीटी की जाती है इधर सिंधिया हो गए उनके साथ भी एन होलकर हो गए तो इनके साथ अलग अलग ट्रीटीज़ यहाँ पे कई ट्रीटीज़ होती हैं तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपकी मेन ट्रीटी है वो मैं करवा रही हूँ अब यहाँ पे जैसे ही बसी की ट्रीटी होती है तो इसका जो सबसे एक मेन बेनिफिट मिलता है वो क्या मिलता है एक तो सब्सिडियरी अलायंस का एक्सेप्ट करना ये सबसे बड़ा उनके लिए एक बेनिफिट था ब्रिटिशर्स के लिए साथ ही अब पूना का पार्ट भी उनकी टेरिटरी का पार्ट बन जाता है यानी कि एक एडिशन हो जाता है पूना का अब पुना भी उन्हीं का पार्ट है यानी कि उन उन्होंने अब पूना पे भी कब्जा कर लिया और अब उनके पास भारत के जितने मेन हिस्से थे उन पे उनका कंट्रोल था जहाँ जहाँ के स्ट्रोंग रूलर हुआ करते थे तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंस यहाँ पे देखने को मिलता है इस ट्रीटी का क्योंकि इसके बाद की जो सिचुएशन थी काफ़ी फेवर में थी किनके ब्रिटिशर्स के उनका जो एरिया होता है काफ़ी एक्सपेंड हो जाता है काफ़ी इन्फ्लुएंस उनका हो जाता है कि ब्रिटिशर्स ने जितने भी रूलर थे इंडियन स्ट्रॉग रूलर थे उनको हरा दिया और उनकी टेरिटरी जो है वो एक्वायर कर ली है तो एक इंग्लिश को एक की मिल जाती है इंडिया में एंट्री करने की सॉरी एंट्री तो वो कर चुके थे एक और ग्रो करने की कॉन्स्ट करने की या फिर हम कहे पूरी ज़्यादातर जो पार्ट थे उन्हें अपने कंट्रोल में रखने की एक परमीशन उन्हें मिल जाती है की उन्हें मिल जाती है तो ये काफ़ी एक सिग्निफिकेंस माना गया है इस ट्रिटी का अब यहाँ पे एक थर्ड वॉर जो होता है उसकी अब क्या सिचुएशन होती है उसके बारे में बात करते हैं तो थर्ड वॉर के बारे में हम सबसे यहाँ पे मेन जो रोल आता है वो पिंडारीज़ का रोल आता है ये तो इन्हीं की वजह से माना जाता है कि ये वॉर हुआ था अब यहाँ पे क्या होता है कि चार्टर एक्ट जो है एटीन का पास हो जाता है इसके चलते ही अब ब्रिटिशर्स की जो मार्केट होती है काफ़ी डाउन हो जाती है एंड उसी के चलते उन्हें ट्रेड में काफ़ी लॉस होता है अब उन उस ट्रेड की कमी को पूरा करने के लिए माना जाता है कि चाइना में भी उनका ट्रेड था वो काफ़ी कम हो गया था तो अब उन्हें ज़्यादा हम कहें कि टैक्स की ज़रूरत थी या फाइनेंस की ज़रूरत थी तो वो क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेना शुरू कर देते हैं यानी कि मराठाओं पर प्रेशर बढ़ाना शुरू कर देते हैं उनकी जो जितनी भी अपना जितना खर्च था वो निकालने की कोशिश करते हैं किसके मराठाओं के ज़रिए इससे क्या होता है मराठा काफ़ी वीक हो जाते हैं और जो पिंडारीज थे वो वर्किंग यानी कि एक तरह से एम्प्लॉयड थे यानी किसी ना किसी पेशे से वो मराठाओं की या तो फ़ौज में थे या उनके अंडर में काम करते थे अब जैसे ही इंग्लिश फाइनेंशियली वीक करने की कोशिश करते हैं मराठाओं को तो इसका सीधा असर उनपे पड़ेगा जो जो उनके अंडर में काम कर रहे होंगे तो पिंडारीज़ पे एक इसका बहुत असर पड़ा था उस टाइम पे और इसके चलते इन्होंने क्या किया अब इन्होंने अपना इकोनॉमिकली खुद को आ, मेंटेन रखने के लिए इन्होंने अब ब्रिटिशर्स को लूटना शुरू कर दिया यानी कि जो उनकी टेरिटरी थी वहाँ पर लूटना शुरू कर दिया और उसी के चलते यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई अब मौका मिल गया ब्रिटिशर्स को कि जो मराठा है वो पिंडारीस को सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ओके तो वॉरन हेस्टिंग ने एक यहाँ पे मराठाओं के अगेंस्ट एक कैंपियन शुरू कर दिया था एंड तो यहाँ पे जो थर्ड वॉर होता है वो फिर यहाँ पे एक उसकी सिचुएशन क्रिएट होती है और थर्ड वॉर होता है यहाँ पे 1817 में से 19 के बीच में अब इस वॉर uh, की शुरुआत कैसे होती है कि बाजीराव टू एक लास्ट कोशिश करता है जो आसपास के मराठा होते हैं उन्हें अपने में मिला के इंग्लिश के अगेंस्ट क्यों क्योंकि वॉरन हेस्टिंग इधर से कैंपेन कर रहा है उनके अगेंस्ट पॉलिसीज़ बना रहा है इधर ऑलरेडी uh, वो इकनॉमिक वीक हो गए थे मराठा बहुत ही सप्रेशन या एक बहुत ही प्रेशरइज़ सिचुएशन थी बहुत ही वीक वो फील कर रहे थे अब उनके पास अपनी सोवर सोवर्निटी को बचाने के लिए और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था तो अपनी अखंडता को बचाए रखने के लिए उन्होंने फिर से अटैक किया और यहाँ पे फिर वो जो है जीत नहीं पाते हैं और फाइनली यहाँ पे पेशवा जो है वो हार जाते हैं तो उनके इस बाद जो बचे थे भोसले और हॉलकर वो भी उनके साथ जो आए थे लड़ने के लिए वो भी यहाँ पे हार जाते हैं तो इसी के चलते कुछ ट्रीटीज़ होती हैं तो बस आप नाम याद रखिए ट्रीटी ऑफ पूना होती है अट्ठारह में ग्वालियर ट्रीटी ट्रीटी ऑफ ग्वालियर ट्रीटी ऑफ मंदसोर इसे कहा जाता है जो 1817 से अट्ठारह अट्ठारह के बीच में ये तीनों ट्रीटीज़ होती हैं तो ये एक वॉर जो थर्ड वॉर हुआ इसके बारे में हमने पढ़ा तो फाइनली इस वॉर से डिसाइड हो गया था मराठाओं का फ्यूचर एंड पेशवा जो थे उन्हें सरेंडर करना पड़ा अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था ओके कोई ऐसा लीडर नहीं था स्ट्रॉन्ग और अब उन्हें ये लगने लग गया था कि हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं लड़ सकते हैं तो कुछ आखिर रीज़न क्या था अब यहाँ पे अगर हम मेन्स का पार्ट अगर हम करने लगे या उनमें क्वेश्चन अगर आपका आता है तो वहाँ पे कुछ कॉजेज होते हैं कुछ रीजंस आपको देने पड़ते हैं यानी कि ऐसा क्यों हुआ ओके वहाँ पे फैक्चुअल सिचुएशन से ज़्यादा आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करनी होती है तो मराठाओं के लोस्ट करने का या हारने का क्या रीज़न था तो सबसे जो मेन था वो था एक लीडरशिप इनकी जो लीडरशिप थी वो स्ट्रोंग नहीं थी काफ़ी ये पहले से ही हमें पता है कि एक डिवाइडेड सिचुएशन में थे एक आर्टिफिशियल माना जाता है कि आर्टिफिशियल या एक्सीडेंटल इनका जो स्ट्रक्चर था वो कोई ऐसा नहीं था कि भाई इन्होंने बहुत प्लानिंग की हुई थी ओके okay? एंड कोई लीडर ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं था बाजीराव टू चाहे दौलत राव सिंधिया जशवंत रावकर तो ये कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पेशवा नहीं था जबकि इंग्लिश की तरफ देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम कहें कि मिलिट्री कमांडर से लेके गवर्नर जनरल तक भी काफ़ी उनकी जो मिलिट्री स्किल्स थी या उनकी हम कहे इंटेलिजेंस थी उसे काफ़ी माना जाता रहा है कि वो वॉर जीतने का एक रीज़न रहे है तो एलिफेंट स्टोन हो गया जॉन मेलकॉन हो गया या आर्थर वेलेसले हो गया ये कुछ ग्रेट नाम पढ़ते हैं जिन्होंने कांकर करने में हेल्प की भारत को तो अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक डिफेक्टिव नेचर भी था मराठाओं की स्टेट का ओके okay, एक जो पॉलिटिकल सेटअप था वो काफ़ी लूज था कोई इनकी पॉलिटिकली आपस में बनते नहीं था एक दूसरे के अगेंस्ट कॉन्स्परेसी करते रहते थे तो इसे भी एक रीज़न माना गया है Uh, एक तरफ इंग्लिश जो डिप्लोमेसी थी वो काफ़ी अच्छी थी दूसरा प्रोग्रेसिव आउटलुक था वो कोई रिलीजियस डॉगमा uh, जो था उसमें नहीं फंसे हुए थे वो चर्च वगैरह के uh, uh, बारे में ज़्यादा सोचने से ज़्यादा वो टेरिटरी एक्वायर करने में ज़्यादा बिलीव करते थे मेटेरियलिस्टिक ज़्यादा थे वो तो आगे बढ़ने की कोशिश में रहते थे जबकि जो इंडियंस थे वो वापस ट्रेडिशनल मेथड हो गया चाहे उनका इवन ट्रेडिशनल मेथड वो फाइटिंग के दौरान भी यानी मिलिट्रीज कोई इनोवेटिव उनके पास कोई टेक्निक या प्लानिंग नहीं होती थी तो इसे भी एक रीज़न माना गया है नेक्स्ट अगर बात करें तो इकोनॉमिक पॉलिसी उतनी स्ट्रांग नहीं थी और इकोनॉमिक पॉलिसी स्ट्रांग नहीं होगी तो जो उनके एम्प्लॉयज़ होंगे वो स्ट्रॉग नहीं होंगे मिलिट्री को आ, को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाएंगे उल्टा जो ब्रिटिशर्स थे वो अपनी मिलिट्री को काफ़ी मतलब अच्छे से मेंटेन करते थे उनके ऊपर काफ़ी खर्च किया करते थे तो इस चीज़ की भी कमी यहाँ पे इंडियंस के रिगार्डिंग देखी गई दूसरा उनकी जो सिचुएशन थी एक सॉरी uh, uh, जो मिलिट्री सिस्टम था वो काफ़ी स्ट्रोंग था ब्रिटिशर्स का तो इसे भी एक रीज़न माना गया है ये सबसे मेन रीज़न हम कह सकते हैं कि उनका मिलिट्री सिस्टम था वो काफ़ी अच्छा था तभी इंडियंस uh, के पास इतनी बड़ी फोर्स होने के बावजूद भी जो बहुत ही कम ब्रिटिशर्स थे बहुत ही कम होते थे लेकिन उनकी जो एम्यूनिशन या कैनन्स हम कहीं फर्स्ट वो सिंधिया के इतने स्ट्रोंग होने के बावजूद भी संध्या के पास इतनी मिलिट्री स्किल्स होने के बावजूद भी उसे हरा दिया जाता है उसका रीज़न ये था कि उन्होंने कैनन्स वग़ैरह एमूनेशन वगैरह काफ़ी यू नो उनके पास टेक्निक इनोवेटिव टेक्निक वगैरह के जो हथियार थे वो वो यूज़ करते थे जबकि भारत जो इंडियंस थे या इंडियन सोल्जर्स थे उनके पास ऐसा कुछ नहीं था तो मिलिट्री स्किल्स एक उनकी काफ़ी अच्छी एक एक रीज़न माना जाता है बाकी उनकी प्लानिंग हो गई उनका अरेंजमेंट हो गया और धीरे धीरे जिस तरह की तरीके से वो कॉन्केस्ट करते आ रहे थे टेरिटरीज को इसे भी एक रीज़न माना जाता है तो यहाँ पे हमने जो मराठा वॉर था वो कंप्लीट कर लिया है अब इसके बाद दो तीन टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है तो वो कोशिश करेंगे हम आज ही कवर कर लेंगे एंड वो सब्सिडियरी अलायंस रिंग फेंस हो गया या हम कहीं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स तो ये इंपॉर्टेंट है ये इनके एरियाज इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा इसे क्विक हम कवर कर लेंगे एंड उसके बाद अपराइजिंग वाली जो सिचुएशन है वो हम पढ़ेंगे इसी उनके उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका यू पी में तो हम कवर करेंगे अपराइजिंग एन 1857 का ओके okay? तो आई होप कि आपको समझ आया होगा प्लीज़ अगर नहीं आता है या कोई भी डाउट आपको मेंशन कीजिए एंड आई विश कि आप स्टडी uh, करें और आगे बढ़ते रहे ओके थैंक यू सो मच